हेलो फ्रेंड्स, गोइंग टू शेयर विथ यू इंस्टेंट ढोकला रेसिपी। जैसे कि हम रवा और बेसन से इंस्टेंट ढोकला बना रहे हैं, तो उसका मेजरमेंट मेरा थोड़ा डिफरेंट है। वो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 ग्लास वाटर लिया है। पहले मैंने रवा मैदा नहीं, वाटर लिया है। 1 ग्लास ऑफ वाटर मैं इसमें डाल रही हूँ और इस 1 ग्लास ऑफ वाटर में जितना रवा और मैदा मिक्स होता है और ढोकले की कंसिस्टेंसी रेडी होती है, उतना हमें डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन और 1 बड़ा चम्मच रवा। साथ में यहाँ डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच रवा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम 1-10 मिनट्स तक के लिए भिजने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो रवा हमने यूज़ किया है, सूजी जो हमने यूज़ किया है, थोड़ी मोटी थी, तो इसे भीगने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए 10 मिनट्स के लिए हम इसे छोड़ देंगे। अगर आप एकदम बारीक वाली सूजी यूज़ कर रहे हो तो आप इसे इंस्टेंटली भी बना सकते हो। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून शुगर और मैंने यहाँ लिया है नींबू सर, जिसे साइट्रिक एसिड बोलते हैं, नींबू के फूल बोलते हैं, जिसे मैं 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ। और साथ में डालेंगे हम 2 टेबल स्पून ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे। इसे हमने 10 मिनट्स के लिए रख दिए थे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए और प्रॉपर हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। साथ में अब मैं यहाँ डाल रही हूँ सोडा, कुकिंग सोडा मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो बैटर बहुत अच्छे से फूल गया है। देखो डबल बैटर हो जाता है यहाँ पे, एकदम बबल्स आने लगे हैं। अब इसे हम डालेंगे बफने के लिए। यहाँ मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में पानी डालकर मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ में इसमें यहाँ पे मैंने एक पॉट रखा है जिसमें मैंने तेल लगा दिया। अब इस पॉट में हम इस बैटर को डालेंगे। तक के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर बफने के लिए छोड़ देंगे। इधर मैं इसे ढक्कन लगा रही हूँ, इसे हमें ढक देना है और मीडियम फ्लेम पर हमें 10 मिनट्स तक के लिए इसे बफने देना होगा। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम चेक करते हैं। हमें चाकू से चेक करेंगे, ये पक गया है। हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें अब हम कट्स डालेंगे। आपको जैसे छोटे बड़े जैसे आपको कट करना है आगे कर सकते हो। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए
तड़का लगाने के लिए मैंने गैस फ्राई पैन रखा है। इसमें अब हम डालेंगे ऑयल। बड़ा एक चम्मच ऑयल मैंने यहाँ पे डाला है। इसे अच्छे से गरम, तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन करके रखी है। मैंने ये ग्रीन चिली को है इस तरह से लंबे कट कर लिया है। साथ में मैंने ये कड़ी पत्ता लिया है जिसे मैंने थोड़ा कट कर लिया है, और साथ में लिया है मैंने कटा हुआ धनिया। अब हम तेल गर्म हो गया है, थोड़ी राई डालकर चेक कर रही हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस पे मैं थोड़ा सिम कर रही हूँ। इसमें अब हम डालेंगे राई। ग्रीन चिली गैस फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने, और साथ में कड़ी पत्ता। इसे ऐसे ही एक मिनट तक के थोड़ा गर्म तेल में रहने देंगे। अब मैं गैस फ्लेम ऑन कर रही हूँ। गैस फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब इसे इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। और एक चम्मच शक्कर। और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है अब हमें डालेंगे ढोकले के ऊपर। जो तड़का है मैं इस पर डाल रही हूँ। खाना है तुझे? मुझे खाना है। क्या है ये? ये टकला तड़का। तड़का है? नहीं, ये क्या है? तड़का, इसको तड़का तड़का बोलते हैं। अच्छा ठीक है। साथ में इस पे मैं डालूंगी अभी हरा धनिया। ओके, और ये बन करके रेडी है।